हाय फ्रेंड्स, फूड गली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट वाली क्रिस्पी फ्राइड सैंडविच, वो भी बहुत ही उम्दा तरीके से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, घर पे बहुत आसानी से बन जाती है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल एक पैन में, और उसी के साथ यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है और इसे इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद हम इसे ब्राउन कलर नहीं आने देंगे, इसे बस ट्रांसपेरेंट कलर बस हो जाए पिंकिश टाइप में, बस उतना देर तक हमें इसे पकाना है। इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून के करीब बटर। बटर से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो ऑयल की जगह सिर्फ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल और बटर को दोनों को साथ में मिलाकर यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है मैदा। मैदे से क्या होती है, हमारी जो बाइंडिंग है अच्छी आती है और बिल्कुल चीज़ी, बिना चीज़ डाले आपको चीज़ी टेक्सचर मिलेगा। हमें इतने देर तक पकाना है कि मैदे का जो कच्चा सा फ्लेवर है वो सिर्फ चला जाए। अगर आप इस तरह से, अगर मेरे प्रोसेस से अगर आप बनाओगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसमें चीज़ नहीं डाला है और चीज़ी टेक्सचर भी आएगा। यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब डाला है दूध। दूध हमारा बॉयल था, बॉयल दूध को मैंने डाल दिया है, रूम टेम्परेचर पे था, और इसे हम पकने देंगे। यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ चिकन। चिकन मैंने बॉयल किया हुआ था, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से बॉयल कर ले ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसे बस हाथों से की मदद से रेशे कर ले या फिर एक बार मिक्सी जार में घुमा ले, बस रेशेदार आपके चिकन बनके तैयार हो जाएंगे। इसमें चिकन मिलाने के बाद हम अच्छे से इसे मिला लेंगे, और मिलाने के बाद अब हम कुछ मसाले डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो चटपटा हो जाए। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया है काली मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, अब मिलाते हुए इसे हम पकने देंगे। फ्लेम हमारा शुरू से आखिर तक लो ही था, लो फ्लेम पे ही आप इसे पकाएं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे फ्रेश हरे धनिया के पत्ते जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, और 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि कितना अच्छा यहाँ पे टेक्सचर आ चुका है इसका, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी क्रीम या फिर चीज़ का यूज़ नहीं किया है। आप इसे अपने घर पे ट्राई करें और मेहमानों को खिलाएं, बिल्कुल उन्हें यही लगेगा कि आपने चीज़ी ब्रेड सैंडविच उसे खिलाया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जो हमें टेक्सचर चाहिए था वो आ चुका है। अब हम कर देंगे गैस के फ्लेम को ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे ब्रेड को, ये देख सकते हैं मैंने 4 ब्रेड लिया है, नॉर्मल रेगुलर ब्रेड है ये, और इसे मैंने इसके एजेस को यानी इसके किनारों को मैंने कट कर लिया है। आप भी बिल्कुल वैसे ही कट कर ले। अब यहाँ पे मैं जो हमारा जो चिकन है वो ठंडा हो चुका है, इसमें हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे चिकन को, चारों तरफ हम लगा लेंगे चिकन को जो हमारा जो स्टफिंग था, और ऐसे करके दूसरे वाले में भी हम इसे अच्छे से लगा लेंगे। कम वक्त में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी ये बन जाती है। अब यहाँ पे दूसरे व जो दोनों ब्रेड है उसमें हम डालेंगे टमाटो सॉस। आपके पास कोई भी सॉस हो, पिज्ज़ा सॉस हो, चिली सॉस हो, कोई भी सॉस हो, बस इसे आप स्प्रेड कर लें जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने टमाटो सॉस का ही यूज़ किया है। अच्छे से स्प्रेड कर लें और अब हम इसे इसके ऊपर रख देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इससे क्या होता है कि हमारे एक चिकन जो ब्रेड सैंडविच है उसमें एक टैंगी सा फ्लेवर आता है टमाटो सॉस की वजह से। इसे हम दबाते हुए अच्छे से चिपका लेंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले ना। अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे। आप चाहे तो ट्रायंगल शेप में भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे लंबे लंबे स्ट्राइप में कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब आप इसे तवे पे भी सेक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्रिस्पी फ्राइड चिकन सैंडविच बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब लिया है मैदा, और उसमें डाला है मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची 1/2 टीस्पून और
थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है, और नमक डालने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे और इसके बस सिंपली सा हमें इसे घोल बनाना है। ये देखिए हमारा घोल बनके तैयार है। यहाँ पे मैंने लिया है दूसरे पैन में, यानी दूसरे बर्तन में मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स, ये बिना फ्लेवर वाला कॉर्नफ्लेक्स है। अब हम ब्रेड को जो मैदे की सैलरी थी उसमें हम डिप करेंगे और उसके बाद इस पर जो कॉर्नफ्लेक्स है इसमें चिपका लेंगे। बिल्कुल केएफसी में जो चिकन बनते हैं बिल्कुल वैसा ही हम इसको हम टेक्सचर देने वाले, बिल्कुल क्रिस्पी सा, और वो क्रिस्पीनेस आएगी इस कॉर्नफ्लेक्स की वजह से। तो इसे अच्छे से हल्के हल्के दांतों से दबाते हुए इस पर चिपका लेंगे। ऐसे करके हम सारे ब्रेड को बना लेंगे। ये देखिए ऐसा होने के बाद आप इसे 2 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और 2 दिन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से सजा लें और ढक्कन को लगा लें। यहाँ पे मुझे अभी ही फ्राई करना है, तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छा खासा गर्म कर लिया था। इसमें एक एक करके हम अपने सैंडविच को डाल देंगे। बहुत ही यूनिक ये रेसिपी है। आप इसे अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने पड़ोसी के सामने, किसी के भी पास या फिर बच्चों के साथ ये शेयर करोगे। आप ये अगर रेसिपी बना के इसके सामने रखोगे किसी के सामने भी, तो उन्हें यकीन नहीं होगा कि ये आपने घर पे बनाया है। तो आप इसे इफ्तार के मौके पे या फिर कोई भी इवनिंग स्नैक में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बना के किसी के सामने भी रखें, आपकी सिर्फ तारीफ़ों की रॉकेट उड़ने वाले हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट एक तरफ से जैसे हमारा फ्राई हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, बस इसे हमें इसके साइड को चेंज करना है। साइड को चेंज करने के बाद 2 से 2.5 मिनट तक इसे पकने देना है। ये हमारा ब्रेड क्रिस्पी सैंडविच बन चुका है। थैंक यू।